नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। रीजनिंग के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस आ गए हैं गाइस। पिछले बार से जो आपके नॉन वर्बल जो कंटिन्यू चले आ रहे थे, हमने उनको अब रोक दिया है। अब हम लोग देखेंगे कुछ अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, ठीक है। मतलब अब नॉन वर्बल थोड़ा कम रहेगा, डाई साइज के क्वेश्चंस वगैरह रहेंगे, ठीक है। बाकी वो इमेज वाले क्वेश्चंस मैंने अब रिमूव कर दिए हैं। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। सिटिंग अरेंजमेंट लीनियर वाला करेंगे, बहुत ही जबरदस्त ओवरलैप वाला भी करेंगे, ठीक है। इसी के साथ साथ डायरेक्शन के बहुत सुपर क्वेश्चन करेंगे, इसी के साथ साथ ब्लड रिलेशन के भी बहुत सुपर क्वेश्चन करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उसके पहले एक इंफॉर्मेशन, जो है अल्टीमेट स्टैटिक जीके T20 का सीरीज जो 14 टेस्टों का है, जिसमें आपको गाइज 20 क्वेश्चन रहेंगे जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस के, स्केड्यूल आपके सामने है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं जीके का बूस्टर सीरीज 5 टेस्ट है, स्केड्यूल आपके सामने है। इसी के साथ साथ बात करूं 40 जीए का सुपर 40 सीरीज है फॉर RRB NTPC एंड ग्रुप डी 8 सीरीज है, स्केड्यूल आपके सामने है। मेगा जीएस का भी सीरीज है, इसी के साथ साथ जो है रीजनिंग का भी सीरीज है, 4 टेस्ट हैं, स्केड्यूल आपके सामने है। और आपका मॉक टेस्ट है गाइस फॉर RRB ग्रुप डी, जिसमें देखो 100 क्वेश्चंस दिए रहेंगे, जिसमें मैथ्स, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस एंड रीजनिंग दिए रहेंगे, स्केड्यूल आपके सामने है। इसी के साथ साथ बात करूं तो सुपर फास्ट फाइनल रिविजन टेस्ट फॉर RRB ग्रुप डी है, 4 टेस्ट है, स्केड्यूल आपके सामने है। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। और आपको पे कितना करना पड़ेगा, इतना नहीं पे करना पड़ेगा। अगर आप हमारा कोड लगाएंगे गुरु टिप्स, आपको इसके ऊपर इंस्टेंटली 10% का और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जब भी परचेस करें हमारा कोड जरूर ले। आइए शुरू करते हैं आज का बेहतरीन सेशन। पहला क्वेश्चन, अलमीरा को BNPMVWGO के रूप में लिखा जाता है तो किस शब्द को, DNRWLUA के रूप में कोड किया जाएगा। जरा देखो, ALMIRAH अलमीरा को BNPMWGO, ठीक है। दैट मीन्स यहां पर प्लस 1 जेके LMN, प्लस 2, प्लस 3, प्लस 4, इस तरीके से हो रहा है, प्लस 1, प्लस 2, प्लस 3, प्लस 4, इसी तरीके से। तो पूछ रहा है वो कौन सा शब्द होगा जो इस फॉर्म में कोड हो जाएगा। दैट मीन्स DNRWLUA, तो मुझे यहां पहुंचने के लिए -1, दैट मीन्स सी, यहां करने के लिए -2, दैट मीन्स ओ कितना हो जाएगा, JKLMN, CL से शुरू होने वाला ऑप्शन नंबर डी ए की है। लगा दो ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि कमल कहता है कि रवि की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है, तो कमल रवि से किस प्रकार संबंधित है। यदि कमल कहता है, क्या कह रहा है, कि रवि की माँ मेरी माँ, मतलब कमल की माँ मेरी माँ, मेरी माँ की इकलौती बेटी है। इकलौती कौन है, बेटी कौन, कौन, रवि की माँ, ठीक है, समझ गए रिलेशन। तो कमल रवि से किस प्रकार संबंधित है, जरा बता दो। तो माँ का भाई मतलब बेटा। देखो यहां पर दो कंडीशन हो सकता है, इकलौती बेटी है, दो बातें आ सकती है। पहली बात यह आ सकती है कि मे भी एक ही बच्चा हो, तो यही खुद हो जाएगा कौन, कमल। अगर इस तरीके से हुआ तो फिर ये कौन हुआ, माँ हुआ, लेकिन ऑप्शन में तो है नहीं, है ना। दूसरा क्या हो सकता, भाई इसका एक भाई हो सकता है जिसका नाम कमल होगा, तो इस प्रकार उसका मामा आ जाएगा, जो भी ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पी प्लस क्यू का तात्पर्य है पी क्यू का भाई है, पी माइनस क्यू तात्पर्य क्या है,
क्यू की माता है, और पी मल्टीप्लाई बाई क्यू का तात्पर्य है पी क्यू की बहन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका तात्पर्य एम आर का मामा है। इसका मतलब आर की जो मम्मी होगी कोई, उसका भाई होगा कौन, एम। ठीक है, उसका भाई कौन होगा, एम। और अगर एम लड़का होगा, इसका मतलब एम के साथ प्लस करके कुछ होगा, तो एम के साथ माइनस वाला तो कट, और एम के साथ यहां कौन होगा, आर होगा, मतलब बीच में कुछ होगा। जरा ध्यान से देखो ऑप्शन नंबर सी को, एम जो है भाई है किसका, के का, एंड के माँ हो गई। देखो ना, पी माइनस क्यू मतलब पी क्यू की माँ है, इसका मतलब के माँ हो गई किसकी, आर की। दैट मीन्स आर का मामा कौन हुआ, एम हुआ। इसका मतलब हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी जो है सही तात्पर्य दिखा रहा है, हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। किसी स्थान पर मंगलवार को 8:30 बजे से 15 मिनट पहले एक मीटिंग रखा गया था। अर्जुन उस स्थान पर पहुंच कर पाया कि आधा घंटा पहले पहुंच गया है। दूसरा व्यक्ति उसके 40 मिनट बाद पहुंचा। मीटिंग का वास्तविक समय क्या है? चलो, सारा क्वेश्चन हुआ पढ़ना बेकार। मीटिंग का वास्तविक समय 8:30 बजे से 15 मिनट पहले, मतलब कितना हो जाएगा, 15 मिनट पहले मतलब 8:15 पे वास्तविक समय था मीटिंग का। जबरदस्ती में क्वेश्चन पढ़ा दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन मार्क चिन्ह है, तू सही विकल्प ज्ञात कीजिए। 6 3 2 4 25, 11 7 8 6 70, 4 1 5 क्वेश्चन मार्क, -12। जरा ध्यान से देखो, यहां 6 का स्क्वायर और 6 3 का स्क्वायर प्लस करके माइनस कर दो, किससे, 2 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के सम से। दैट मींस और भी आएगा क्या, 25। देखो तो 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इज इट 25? लेट अस चेक इट डाउन। सो 36 प्लस 9 माइनस 16 प्लस 4, दैट मींस क्या हो गया, 45 माइनस 20। जी हाँ दोस्तों, 25 आ गया। बहुत बढ़िया, तो मैं लगा दूं यहां पर, दैट मींस 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू -12। लेट अस फाइंड आउट, 16 प्लस 1 17, माइनस 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच गाइज, -12। दैट मींस यहां कितना हो गया, कितना हो गया, 8 हो गया। और अगर यहां 8 हुआ, इस तरफ गया तो +8, दैट मींस -x² इज इक्वल टू -4। माइनस माइनस कैंसिल आउट, x इज इक्वल टू 2। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। उत्तर आकृति में उन आकृति को चुनिए जो प्रश्नकर्ती कृति की श्रृंखला में जारी रखते हुए अगले स्थान पर आएगी। जरा देखो, एक एरो, दो एरो, तीन एरो, चार एरो, मतलब आने वाला यहां जो गोला होगा उसमें कितने एरो होंगे, +1 +1 +1, तो 4 + 1 इज इक्वल टू 5 एरोज होंगे। लेकिन जरा देखो, पहले वाले में क्लॉकवाइज, दूसरे वाले में एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज दूसरे में, क्लॉकवाइज तीसरे में, एंटी क्लॉकवाइज चौथ, तो लास्ट वाले में, नेक्स्ट वाले में क्या होगा, क्लॉकवाइज, मतलब इस डायरेक्शन में 5 एरो होंगे। इस ऑप्शन में है 1 2 3 4 5, लगा दें ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भिन्न अक्षर समूह चुनिए। BWEG, ZYSU, BEWG, PWEQ। जरा देखो,
इसमें लगाते हैं जुगाड़, भिन्न अक्षर का समूह। चलिए बी मतलब क्या होता है, दो यू वी डब्लू 21 22 23, ठीक है। ई मतलब 5, जी मतलब 7, ठीक है। जेड मतलब कितना, 26, ठीक है। अच्छा वाई मतलब एक्स, वाई जेड मतलब 25, ठीक है। एस मतलब 19, यूवी मतलब 20 21, ठीक है। आगे देखते हैं बी ई, बी मतलब 2, ई मतलब 5, यूवी डब्लू मतलब 23, जी मतलब 7, बी मतलब 2, डब्लू मतलब 23, ई मतलब 5 और क्यू मतलब 17। जब आप सबको सम करोगे, जब आप सबको ऐड करोगे, तो पहले वाले में आपको मिलेगा 37, दूसरे वाले में 91, तीसरे वाले में 37 और चौथे वाले में 47। सिर्फ यही जो एक नंबर है वो है क्या, प्राइम नंबर, सॉरी प्राइम नंबर नहीं है, ये क्या है, कॉम्पोजिट नंबर। मतलब दो से ज्यादा फैक्टर, कौन कौन से, एक तो एक होगा, 91 होगा और 7 भी होगा, लेकिन पहला तीसरा और चौथा तीनों के सम क्या है, प्राइम नंबर है। अलग कौन हो गया, लगा दें बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे पासे के दिए गए चित्रों के आधार पर बताइए 3 के सम्मुख कौन सा अंक है। अपोजिट, अपोजिट ऑफ विच, अपोजिट ऑफ 3 विच अंक। आइए जरा देखें, जरा यहां ध्यान से देखो, पहले और तीसरे डायग्राम में, पहले और तीसरे डायग्राम में 6 और 5, 6 और 5 कॉमन है, तो सिंस कॉमन है तो 3 का उल्टा कौन हुआ। हमेशा याद रखिएगा, एक डाइस के 3 फलकों को दिखाया जाता है, अगर दो दो सेम हो तो जो नेक्स्ट, मतलब इसके अलावा जो एक एक बचते हैं वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, मतलब 4 और 3 एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो 3 का अपोजिट कौन, लगा दे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रतन 15 मीटर पूर्व में चलता है, तब वह अपने बाएं घूमकर 15 मीटर चलता है, फिर वह अपने दाएं मुड़कर 12 मीटर चलता है, फिर अपने दाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है, फिर वह फिर अपने बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, उसके आरंभिक बिंदु व वर्तमान स्थिति के बीच सबसे कम दूरी कितनी है। आइए बनाते हैं फिगर, लेट्स से रतन यहां खड़ा है, 15 मीटर कहां चल रहा है, पूर्व चल रहा है, 15 मीटर चला दिए। आगे देखते हैं, फिर वो अपने बाएं घूमता है, लेफ्ट घूमता है, फिर वो 15 मीटर चलता है, चलो घूम के भैया 15 मीटर चल गए, फिर वो अपने दाएं मुड़ता है, मतलब राइट हैंड साइड पे मुड़ता है और 12 मीटर जाता है, भैया यहां पहुंच गए, फिर अपने दाएं मुड़कर, फिर अपने दाएं मुड़कर 15, फिर से यहां आ गया, ठीक है, फिर वह अपने बाएं मुड़कर लेफ्ट तरफ मुड़कर 10 मीटर चला गया, फिर पूछ रहे अपने आरंभिक बिंदु से वर्तमान स्थिति के बीच कम दूरी, तो यहां से यहां 15, यहां से यहां 12 और यहां से यहां 10, तो 22 + 15 दैट मीन्स 37 मीटर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है ना। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में तो आइए, एक पासे के 6 फलकों का मान नीचे दर्शाए अनुसार वाई आर बी आई पी जे रखा गया है। चित्र 3 में आर के विपरीत कौन सा अक्षर है, जरा यहां देखो, किसके विपरीत, आर के। आइए एक जुगाड़ लगाते हैं, यहां R है, R के विपरीत इस वाले सेकंड फिगर में कौन नहीं हो सकता भाई, एडजेसेंट फिगर, एडजेसेंट साइड तो P है, B नहीं हो सकता, सिमिलरली यहां पर भी R है तो J और Y नहीं हो सकते, तो भाई R का अपोजिट P नहीं, R का अपोजिट B नहीं, R का अपोजिट J नहीं, R का अपोजिट Y नहीं, बचा कौन, R का अपोजिट कौन हो जाएगा, एक ही बचा है I हो जाएगा, लगा देंगे ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लड़के व लड़कियों की एक पंक्ति में
50 से कम छात्र है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। रवि एक सिरे से 26वें जबकि सीमा दूसरे सिरे से 22वें स्थान पर है। यदि रवि व सीमा के बीच 19 छात्र है तो पंक्ति में कितने छात्र हैं? आइए जरा देखते हैं। सपोज ये एक मेरी पंक्ति है। अब क्या बोल रहे, रवि एक सिरे से 26वें है। लेट्स से रवि इस डायरेक्शन से यहां कितने पे है? रवि जो है वो है 26 नंबर पर। कहां पर है? 26 नंबर पर। जबकि सीमा दूसरे में दूसरे सिरे से 22वें स्थान पर है। लेट्स से सीमा यहां से लेके यहां तक कितना डिस्टेंस? 22वें डिस्टेंस पर है। अब देखो उनके बीच में 19 छात्र। अगर मैं एक कंडीशन यहां लगा दू 19, तो मतलब देखो कितना तो टोटल छात्र कितने दिखाएंगे? 26 + 22 मतलब 48 हो गया। 48 + 19 मतलब भाई ये तो 50 से ज्यादा, लेकिन यहां कंडीशन मुझे दे दी गई भाई 50 से कम होना चाहिए। दैट मीन्स ये कंडीशन किसका है? ओवरलैप का कंडीशन है। तो फिगर क्या बनेगा जरा देखो, फिगर क्या बनेगा? यहां से लेट्स से आर जो है रवि 26वें नंबर पर है, तो सीमा यहां से इस रवि इस डायरेक्शन में, तो सीमा इस डायरेक्शन में कितने पे है? 22 में है। और यहां से होने वाला डिस्टेंस उनके बीच में 19 है, तो मुझे यहां से यहां पहुंचने में 20 और लगेंगे। अरे हाँ कीना, लेकिन भाई इतना दिमाग मैं क्यों लगाऊं पंक्ति में छात्रों की जब संख्या निकालनी है? सिंपल एक फंडा याद रखना है, सुपर टॉप जुगाड़, विच इज आर प्लस एल। अभी बताता हूं ये क्या है, माइनस बिटवीन प्लस टू, याद रखना। बट ये कब? जब जब ओवरलैप का केस हो, जब ओवरलैप का केस हो तब मुझे इस फॉर्मूले को लगाना है। देखो लेफ्ट मतलब 26 और राइट मतलब कितना? 22। उल्टा बोल दिया, राइट मतलब 26, लेफ्ट मतलब 22। इससे मुझे बिटवीन प्लस टू कितना है? बिटवीन 19, 19 + 2 21 माइनस कर देना है। दैट्स ऑल गाइस, यू विल एबल टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहां कितना हो गया? ये 27। लगा दो ऑप्शन नंबर डी। जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला गाइस, दिस विल गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, सेव अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ योर्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 1 मई 2000 को सोमवार था, तो 11 जुलाई 2000 को कौन सा दिन था? लेट अस सी। 1 मई 2000 को सोमवार था। क्या था? सोमवार। द क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर 11 जुलाई 2000, विच डे? ठीक है, लेट अस फाइंड आउट 1 मई 2000। अब जरा यहां देखो, वी विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ विषम दिन, ऑड दिन का हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। एक तारीख हो गया, मई कितने दिन का होता है? 30 दिनों का होता है। इसका मतलब एक तारीख हो गया है, बाकी कितने बचे दिन हैं? 30 दिन बाकी है, तो 30 दिन, उसके बाद मई के बाद जून जो कि होता है 30 दिनों का, बटे 7 कर दो तो विषम दिन कितने? 2 दिन। अब जुलाई में 31 तक जाना है, दैट मीन्स जुलाई में 31 तक जाना है, दैट मीन्स 31 मतलब कितना हो गया? 63 हो गया। 7 से विभाजित करो तो कितनी बार गया, मतलब पूरा पूरा चला गया, रिमाइंडर कितने बचा? 0 बचा। मतलब ये भी क्या होगा? सोमवार होगा, मंडे होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस श्रृंखला को पूरा करने के लिए अक्षर श्रृंखला में अनुक्रम में खाली स्थान को भरने के लिए सही विकल्प का चयन करें। लेट अस फाइंड आउट। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, लेट अस मेक 4 4, 4 4 की अगर मैं बनाऊं, देखो ADDC, समझ गए? ADDC, DDAC, विच ऑप्शन? DDAC, लगा दो बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आइए जरा। यदि कल आने वाला के 3 दिन बाद शुक्रवार है, तो बीते हुए कल के 3 दिन पहले कौन सा दिन था? लेट से ये आज है, तो कल जो आने वाला है इससे 3 दिन बाद, 1 2 3, कौन सा डे है? शुक्रवार है। कौन सा डे है? फ्राइडे है। तो क्या बोल रहा है? तो बीते हुए कल, जो कि ये है कि 3 दिन पहले, 1 2 3 दिन पहले कौन सा दिन था? ये जरा। फ्राइडे, उसके बाद थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंडे, उसके बाद सैटरडे, उसके बाद, सही चल रहा है ना, उसके बाद फ्राइडे, उसके बाद, कुछ गड़बड़ा गया है क्या? फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंडे, ओह संडे तो खा ही गए हम। संडे, सैटरडे, देन संडे, सैटरडे, देन फ्राइडे, और ये कौन सा दिन होगा? थर्सडे, मतलब बृहस्पतिवार, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है तथा उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है, तो पश्चिम क्या बनेगा? आओ जरा देखते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है? दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है, ये क्या बन गया? उत्तर बन गया। तो ये क्या बन जाएगा? उत्तर पश्चिम बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा? पश्चिम। ठीक है, ये क्या बन जाएगा गाइस? ये आपका, ओ सॉरी सॉरी माय मिस्टेक, ये दक्षिण बन जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्या बन जाएगा? दक्षिण है ना, मतलब साउथ बन जाएगा। ठीक, अब क्या बोल रहा है? अगर उत्तर ये और ये आपका दक्ष, ये आपका बन गया दक्षिण, तो ये क्या बन जाएगा? पूरब, और ये आपका क्या बन जाएगा? पश्चिम। तो ये आपका बन जाएगा क्या? पूरब, और ये आपका बन जाएगा क्या? पश्चिम। ठीक है, बन गया। अब क्या बोल रहा है? तो पश्चिम क्या बनेगा? ये आपका क्या बनेगा? क्या बनेगा आपका? क्या बनेगा? दक्षिण पूर्व, ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पूर्व आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुंबई की घड़ी में अभी 4 बजता है। मुंबई के समय से कोलकाता का समय 3 घंटे आगे है, तो कितने बज रहे होंगे कोलकाता में? 7। और पहले से ही कोलकाता की घड़ी 1 घंटा धीमे चल रही है, मतलब अभी कितने बज रहे होंगे? फिर धीमे चलने के कारण 6 बज रहे होंगे, तो उसी समय कोलकाता में कितने बजेगा? 6 बज रहा होगा, सी लगा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आइए। एक व्यक्ति 14 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर चलने के बाद 3 किलोमीटर दक्षिण, फिर 8 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलता है, बताएं कि वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? एक व्यक्ति है जो 14 किलोमीटर पश्चिम दिशा में चलता है, 14 किलोमीटर, और चलने के बाद 3 किलोमीटर दक्षिण में आता है, फिर 8 किलोमीटर पूरब में जाता है, मतलब पूछ रहा है अपने प्रारंभिक स्थान से वो कितने दूरी पर है। दिस इज द फाइनल एंड दिस इज द इनिशियल, इसके बीच में पूछा, लेट अस फाइंड आउट। तो ये क्या ट्राइंगल बन गया? यहां 8 हो गया, तो यहां क्या बचा? 6। यहां 3 है, ये पूछ रहा है, दैट मीन्स 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 36 प्लस 9, 45, इसका अंडर रूट है ना, तो कितना हो गया? 9 × 5, 5 9 45, 9 बाहर निकला 3, तो 3√5, कितना? 3√5 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अंग्रेजी वर्णमाला में श्रृंखला ए से जेड में कौन सा अक्षर पी के दाएं से 5वें के बाएं से 8वां अक्षर है? आइए, अंग्रेजी वर्णमाला की श्रृंखला में ए से जेड के बीच ए के जेड में कौन सा अक्षर पी के दाएं से 5वां, मतलब राइट, तो मैं नो PQRST U, आ गए हम 5वें पे, से 5वें के बाएं मतलब लेफ्ट से 8वां अक्षर है,
तो आठवां कौन होगा? एक दो तीन चार पांच छ सात आठ। तो यहां जरा देखो, तो यहां ओ, अच्छा एम एन ओ, तो आठवां अक्षर कौन हो गया? लगा दें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित का निम्नलिखित में लुप्त पद ज्ञात करें। देखिए, 6 13 9, 9 16 12 13 20 16। देखो क्या हो रहा है, पहले तो भैया यहां पर +7 हो रहा है, फिर यहां -4 हो जा रहा है, यहां पर भी 7+ हो रहा है, यहां -4 हो जा रहा है, यहां पर भी 7+, यहां -4 हो जा रहा है। इसका मतलब यहां तो +7 हो रहा है, यहां -4, तो यहां कितना आएगा? 18 -4 इज हाउ मच गाइस? ऑप्शन नंबर D14। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। कमला दक्षिण पूर्व की ओर 7 मीटर जाती है, फिर वह पश्चिम की ओर 14 मीटर जाती है। यहां से वह उत्तर पश्चिम की ओर 7 मीटर जाती है, अंत में वह 4 मीटर पूर्व की ओर जाती है। अब वह अपने चलने के प्रारंभ स्थान से कितनी दूरी पर है? आइए देखते हैं। लेट्स से कमला यहां पर है, कहां गई वो? दक्षिण पूरब, मतलब साउथ ईस्ट। इसका मतलब वो कहां गई? 7 मीटर यहां चली गई, फिर वो पश्चिम की ओर 14 जाती है, तो यहां आ गई 14। वहां से फिर उत्तर पश्चिम, मतलब क्या? नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट के तरफ कितना जाती है? 7 मीटर। दैट मींस गाइस, ये तो पैरेलल होगा, यहां पहुंच गए 7 मीटर। अंत में वह 4 मीटर पूर्व की ओर जाती है। स्ट्रेट लाइन में हो गया, 7 और 7 है, इसलिए अंत में वह 4 मीटर पूर्व की ओर जा रही है। कहां? 4 मीटर चली गई। बचा क्या है? ये वाला डिस्टेंस बचा हुआ है। देखो जरा, ये तो पैरेलल हो गया, मतलब यहां से यहां कितना डिस्टेंस हो गया? 10 मीटर। लगा दो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बी की माँ ए है तथा सी ए का बेटा है, डी ई का भाई है। यदि ई बी की बेटी है तो डी की नानी कौन है? बी की माँ ए है, बी की माँ ए है तथा सी ए का बेटा है। ठीक है, यहां तक आ गया। आगे देखते हैं। डी ई का भाई है, अभी क्या ई दिख रहा है? नहीं, इसको मैं थोड़ी देर के लिए स्किप करूंगा। आगे देखते हैं। यदि ई बी की बेटी है, बी की बेटी कौन है? ई है, और यहां देखो डी ई का भाई है। ठीक है, बन गया मेरा फैमिली चार्ट, तो बोल रहा है। तो डी की नानी कौन हुई? कौन हुई? ए हुई ना। लगा दो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए जरा। 5 मित्रों में एम एच से लंबा है लेकिन जे से छोटा है, जे वी और एस से लंबा है, वी एच से छोटा है, लेकिन उनमें से सबसे छोटे से लंबा है। लंबाई के घटते क्रम में किसका स्थान चौथा है? आइए देखते हैं। 5 मित्र है, एम एच से लंबा है लेकिन जे से छोटा है, जे वी और एस से लंबा है। जे जो है वो वी और एस से लंबा है, मतलब वी और एस जैसे छोटे होंगे। वी एच से छोटा है, वी जो है वो एच से छोटा है, लेकिन उनमें से सबसे छोटे से लंबा है। एक ही बचा है, कौन? जल्दी से बता दो। तो कौन बचा है यहां पर? एस। तो यहां देखो, लंबाई के घटते क्रम में चौथे स्थान पर कौन है? वी है। लगा दो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन कह रहा है सभी पेन कागज है, और दूसरा क्या बोल रहा है? कोई भी कागज पुस्तक नहीं है। आइए बनाते हैं। सभी पेन क्या है गाइस? कागज है, और कोई भी कागज क्या नहीं है? पुस्तक नहीं है। आइए निष्कर्ष। पहला, कुछ पुस्तकें पेन है। क्या कुछ पुस्तकें पेन होंगी? जब कोई कागज पुस्तक ही नहीं है तो कुछ पुस्तक कैसे पेन हो सकती है? क्यों? क्योंकि सभी पेन तो कागज है। कट। कुछ कागज पेन है, कुछ कागज बिल्कुल ये वाला सेक्शन पेन है, मतलब सिर्फ दो जो है निष्कर्ष देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
यदि अर्थ का शब्द QPMZS के रूप में कोडेड किया जाता तो हार्ट, हार्ट को मैं क्या लिखूंगा, दिल को मैं क्या लिखूंगा, जरा देखते हैं। देखो, अर्थ से ही हार्ट बनता है, धरती से ही दिल बनता है, टेक्निकली भी सही बात है ना। इसका मतलब देखो, एच ई ए आर टी सभी यूनिक यूनिक है, एच मतलब एस, ई मतलब क्यू, ए मतलब पी, आर मतलब एम, टी मतलब जेड, एस क्यू, एस क्यू एम, एस क्यू सॉरी एस क्यू पी, एस क्यू पी एम जेड, लगा दें ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, यदि रैम का भार 32 है, श्याम का, राम का भार 32 है, श्याम का 66, श्वेता का पूछ रहा है, देखो आर ए एम, ठीक है, एम एन ओ पी क्यू आर, क्यू आर 17 18, ए एम 13, तो क्या हुआ 14, 14 और 18 कितना होता है 32, इसका मतलब ये प्लेस वैल्यू का सम है। तो भैया श्वेता, कौन, श्वेता, श्वेता एस फॉर 19, यू वी डब्ल्यू 23, ठीक है, ई फॉर 5, टी फॉर 20, ए फॉर 1, 6, 26, 19 और 23 कितना हो गया 8, 68, लगा दो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए और बी किसी निश्चित बिंदु से एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर एवं 5 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, इसके बाद उसके बाद दोनों अपने दाएं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, पुनः अपनी दाएं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, अब ए और बी के बीच की दूरी कितनी है। लेट्स से इसी पॉइंट पे थे, ए इस तरफ गया और बी इस तरफ गया, ए कितना चला गया इस 3 किलोमीटर चला, और बी कितना चला 5 किलोमीटर चला, लेफ्ट हैंड साइड पर ए गया, राइट हैंड साइड पर बी गया। आगे देखते हैं, इसके बाद दोनों ने अपने दाएं और मुड़कर, दाएं मतलब राइट तरफ मुड़कर 2-2 किलोमीटर बढ़े, ये ऊपर गया 2, इसका दाएं इस तरफ गया ये 2। आगे देखते हैं, पुनः अपने दाएं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर, अगर ये 3 है तो 4th किलोमीटर यहां आएगा, और अगर ये 5 है तो 4th किलोमीटर यहां आएगा। अब क्या बोल रहा है, 4-4 किलोमीटर चल गए, बोल रहा है ए और बी की दूरी, यहां ए है यहां बी है, कितनी हो गई दूरी, ये 2 और ये 2 ना, तो 2+2 कितना 4, लगा दो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिस दिन दुर्घटना हुई उसके दूसरे ही दिन घायल व्यक्ति मर गया, किंतु पुलिस ने उसकी मृत्यु के 4 दिन बाद आज, जो कि आज है शुक्रवार, को दोषी ड्राइवर को गिरफ्तार किया। दुर्घटना किस दिन हुई थी, जिस दिन दुर्घटना हुई, लेट्स से एक्सीडेंट आज हुआ, ठीक है, उसके दूसरे दिन मतलब 1 और 2, दूसरे दिन ही घायल व्यक्ति मर गया, इस दिन डाइड मर गया, किंतु पुलिस ने उसके मृत्यु के 4 दिन बाद मतलब 1, 2, 3, 4, जो कि आज क्या है शुक्रवार है, आज शुक्रवार है, ठीक है। आगे देखते हैं, तो दोषी ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया इसी दिन, है ना, इस दिन उसको क्या किया गया, गिरफ्तार किया गया, अरेस्ट किया गया। आगे देखते हैं, तो दुर्घटना किस दिन हुई थी, शुक्रवार हो गया, ये हो गया आपका थर्सडे, ये आपका क्या हो गया वेडनेसडे, ये हो गया ट्यूसडे, ये हो गया आपका मंडे, ये हो गया आपका संडे, ठीक है, और ये क्या हो गया आपका सैटरडे, शनिवार को दुर्घटना हुई थी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बड़े ने एक मिनट, हाँ ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक दीवार घड़ी में ठीक 10:30 बजे हैं, ठीक 10:30 बजे हैं, ठीक है 10:30 बजाने पहले, चलो यहां 11, यहां 10, यहां 9, यहां 6, तो 10:30 के लिए जो मिनट का हैंड रहेगा वो पूरा का पूरा बड़ा वाला 6 पे रहेगा, घंटे का दोनों के बीच में रहेगा 10 और 11 के बीच में, 10:30 बजा दिए, चलो इस घड़ी के बड़ी सुई ठीक दक्षिण की ओर इंगित कर रही है, हाँ भाई ठीक है, बिल्कुल दक्षिण की ओर तो है,
ठीक है, तो छोटी श्रुति किसके तरफ करेगी बता दो, तो छोटी इस तरफ कर रही है ना, तो मतलब क्या, उत्तर पश्चिम, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये तो प्रॉपर डायरेक्शन के हिसाब से दे दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए सी एन ई को 3, 7, 29 और 11 के रूप में कूट किया जाता है, तो बॉयल को कूट किया जाएगा किसमें, देखो ए सी एन ई इसमें 3, 7, 29, 11, ए का प्लेस वैल्यू 1, सी का 3, एम एन 14, ई फॉर 5। देखो क्या जुगाड़ लगाया गया, मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1, तो 1 × 2 2 + 1 3, 3 × 2 6 + 1 7, 14 × 2 28 + 1 29, 5 × 2 10 + 1 11, अंडरस्टूड। सो BOIL 2 15 I 9 JKL 12, तो 2 × 2 4 1 + 5, यहां पर क्या आएगा, 15 × 2 30 + 1 31, 9 × 2 18 + 1 19, ठीक है, 12 × 2 24 और 1 25, 5 31 19 25 है क्या, 5 31 19 25, ठीक है, लगा दें ऑप्शन नंबर बी, ठीक है गाइस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का अंतिम प्रश्न है। किसी कूट भाषा में यदि रतलाम का कूट 2 है तो पद्मिनी का कूट क्या होगा। देखो जरा, रतलाम में ए 2 बार है, दैट मींस वॉवल्स जो है वो सिर्फ 2 बार आए हैं और तो कोई वॉवल नहीं है, लेकिन पद्मिनी में ए है और 2 बार आई है, मतलब नंबर ऑफ वॉवल्स कितने हैं, 3 हैं, तो इस कूट भाषा में पद्मिनी को क्या लिखा जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 3। तो गाइज ये थे आज के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन, आई होप आपने आज सेशन को एंजॉय किया होगा। अगर आपने किया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपका कोई भी मन में दिक्कत हो, कोई भी आपकी असुविधा हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा, मैं आपके पर्सनली कमेंट्स को पढ़ता हूँ। ठीक है, इस फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।